खबर कोटा से है। मुंबई के ड्रग डीलर दानिश उर्फ फैंटम की आज कोर्ट में पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच दानिश को कोर्ट में पेश किया। आरोपी दानिश को कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। महाराष्ट्र निवासी दानिश को 160 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन की भी जांच पड़ताल हो रही है। 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है दानिश को। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र महावर फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी? अब 5 दिन के रिमांड पर दानिश को भेज दिया गया, आगे किस तरीके से पूरी कार्रवाई रहने वाली है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से अनंतपुरा थाना पुलिस ने कल एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसके अंदर जो मुंबई का ड्रग डीलर है दानिश चिकना, उसको गिरफ्तार किया था। उसके पास से 160 ग्राम चरस बरामद की थी। इस पूरे मामले में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन की, जिसको कोटा पुलिस ने अभी सिरे से नकार दिया है। लेकिन जो इनपुट मुंबई पुलिस से मिले हैं और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जो इनपुट मिले हैं, उसके आधार पर ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये पूरा जो ड्रग डीलिंग का काम था दाऊद इब्राहिम का, ये दानिश चिकना संभालता था मुंबई में, जो कि वहां से फरार हो चुका था, जिसको जो मुंबई पुलिस है उसको राजस्थान पुलिस को इनपुट मिले थे कि वो राजस्थान में कहीं छुपा हुआ है, जिसको तलाश करना है। और जो आज हमारी जो अधिकारियों से बात हुई उसमें ये सामने आया है कि जयपुर भी फरारी काट चुका है, इसके अलावा अजमेर में भी फरारी काट चुका है और कोटा में भी ये फरारी काटने के लिए आया था। चूंकि नाकाबंदी का दौर चल रहा है, कोरोना संक्रमण चल रहा है, तो शाम के टाइम पे जिस तरह से कर्फ्यू का जो कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो इसको इस बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि शाम के टाइम पे कोरोना को देखते हुए कर्फ्यू लगाया जाएगा, नाकाबंदी की जाएगी। तो ये उसी दौरान निकलने की फिराक में था, लेकिन जो मुंबई पुलिस से कोटा पुलिस जो एसपी है उनको जो इनपुट मिला था, उसके आधार पर इसको नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया और इसके पास से 160 ग्राम चरस बरामद हुई थी। जो पूरी की पूरी जो कड़ी जुड़ी है वो जुड़ी है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। इसको 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। इसके साथ ही जो इसके साथी है उसके बारे में भी लगातार तलाश की जा रही है, जो इसके साथ कार में मौजूद था। पुलिस को एक और कामें भी मिली है, जो हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो इसके साथ मौजूद था कार के अंदर और जिसकी कार थी, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन अभी पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो 5 दिन के रिमांड पर अब दानिश को भेजा गया है। फिलहाल पूछताछ उससे होगी और क्या क्या क्लू उससे मिल सकते हैं, इसी पर फिलहाल पुलिस की नजर है।